नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक नई ब्लॉग में। और अभी मुझे जाना है देहरादून, तो देहरादून में है पूजन, तो मुझे वहीं जाना है। आज वहां पर करेंगे तैयारी। और सुबह के अभी बज रहे हैं 10:40 हो गए हैं और अब मैं भी तैयार हो जाता हूं, क्योंकि मौसम भी आज ख़राब हो रखा है, तो हो सकता है कि बारिश आ जाए, इसलिए टाइम से जाना सही है। तो चलते हैं, फिर आपको रास्ते में अगर मौका मिलेगा तो रास्ते में आपसे बात करेंगे, नहीं तो सीधे देहरादून जा करके आपसे बात करेंगे। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। और आज मैंने बैग की जगह ये पन्नी तैयार की है, इसमें है मेरी पुस्तक, तो इनको ले जाऊँगा मैं इसी में, क्योंकि मौसम है ख़राब, बारिश होगी तो इससे, बारिश से ही जो पुस्तक हैं ये बच जाएंगी। और कपड़े हैं मेरे इस थैले में, ये थैला आ जाएगा स्कूटी में, तो इसको स्कूटी में रखेंगे। तो मिलते हैं, पहले जाते हैं स्कूटी के पास। और यहाँ से मौसम कितना गजब लग रहा है, आप देख सकते हैं। दोनों थैले, दोनों बैग आगे हैं इसी स्कूटी में, और अब स्कूटी स्टार्ट करते हैं। और अभी अभी मैं देहरादून पहुंच चुका हूं, और अब मैं आपको ले चलता हूं जहां पर हम अनुष्ठान में हैं, सीधे वहां निकलता हूं। देहरादून के मियाँ वाला मैं समय में मौजूद हूँ, तो ले चलते हैं सीधे आपको। मंगल मांगल्य शिवी सर्वार्थ साधिके सर्वे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और अब मैं वहीं पर पहुंच चुका हूं जहां पर हम अनुष्ठान में हैं, तो आप पीछे देख रहे हैं हमने सारी तैयारी कर ली है, और सामने से आपको माता के दर्शन करवाते हैं, मंडप के दर्शन करवाते हैं। से दिखती हैं सुंदर सी पहाड़ियाँ, नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल और साथ में मसूरी की, तो अभी आप पीछे देख रहे होंगे, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा, आप कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय बाबा केदारनाथ।